हेलो जेई 2023 स्टूडेंट, आप लोगों का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, जेई मेंस 2023 के जितने भी कैंडिडेट हैं, इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीटली देखेंगे, ठीक है, और कुछ पॉइंट को नोट करेंगे। आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और अभी जो आप लोग नेक्स्ट काम करने वाले हो, वो सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करने वाले हो। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले जो सबसे नेसेसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर आप NITs, IIITs, GFTI में एडमिशन लोगे, अदर स्टेट में एडमिशन लोगे, तो आपको OBC सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST वाला सर्टिफिकेट चाहिए। जी हाँ, EWS सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, या फिर आप अपने होम स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पे OBC का BC, EBC वगैरह अलग अलग बनता है, EWS सर्टिफिकेट बनता है। तो प्लीज़ अभी आप अप्लाई कर दो, अभी टाइम है एडमिशन में, तो अभी आप बना के रख लोगे, ठीक है। अदरवाइज़ ना आपके साथ इशू ये होगा, क्या सारे लोग एक साथ अप्लाई करेंगे और उस टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से आप काउंसलिंग नहीं कर पाओगे और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा अच्छे कॉलेजेस में। तो ये मिस्टेक्स ना करें और सारे डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखें। इसके साथ ही जेई मेंस के एडमिट कार्ड सेशन फर्स्ट और सेशन सेकेंड दोनों रखें। जिस भी सेशन में आपका ज़्यादा मार्क्स आया है, वो वाला एडमिट कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। अप्लीकेशन फॉर्म रखेंगे, जो आपने अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के देते, साथ ही पासपोर्ट साइज़ का फोटोज़ भी रखेंगे जो आपने जेई मेंस में दिया था, ओके। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड है, ये सब आप रेडी रखो और बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।